निगम मुख्यालय में मेयर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डॉक्टर्स पर लगने वाला मासिक शुल्क जल्द होगा वापस। दिल्ली सरकार ने मासिक शुल्क लगाने का दबाव बनाया, कोरोना काल में डॉक्टर्स ने दिया अहम योगदान। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान, एलजी से तारीख पास होते ही जारी होगा नोटिफिकेशन, चुनाव को लेकर उम्मीदवार हुए एक्टिव। दिल्ली में 2 लाख बच्चे स्कूल से दूर, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की तैयारी शुरू, 28 जून से 28 अगस्त तक चलेगा सर्वे। राधेपुरी में मंदिर के प्रधान पर हमला, मंदिर के पुजारी के भाई ने किया प्रधान पर हमला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और डॉक्टर्स ने केजरीवाल के फैसले का किया स्वागत, सभी डॉक्टर्स नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को मिले भारत रत्न, केजरीवाल ने केंद्र सरकार को लिखी है चिट्ठी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पटपड़गंज स्थित ईस्ट एमसीडी के मुख्यालय में मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डॉक्टर्स पर लगे ज्यादा मासिक शुल्क को वापस लेने की बात कही गई। मेयर का कहना था कि दिल्ली सरकार ने 2018 में इशू किया था और निगम पर दबाव बनाकर पास करा दिया, कमिश्नर ने इसे पास कर दिया जो मेरे संज्ञान में नहीं था। हम लोग डॉक्टर्स के अहम योगदान को सलाम करते हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में लोगों की सहायता की है। आम आदमी पार्टी हमेशा झूठ बोलती है, जो सच्चाई है उसको सामने लेके नहीं आती। ये गलत नोटिफिकेशन है, इसमें साफ लिखा हुआ है दिल्ली सरकार, आप इसको पढ़ेंगे इसकी कॉपी आपको मिल गई होगी, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये उसका बेहद नोटिफिकेशन है जो 15 जनवरी को वो लेके आए, 15 जनवरी 2018 को, और उन्होंने कहा इसको लागू करना है। लगातार दबाव चल रहा था और हमने आज तक इसको लागू नहीं होने दिया। इन्होंने एक भेजा कि इसको तुरंत लागू कर, इनके जो अधिकारी लोग हैं दिल्ली सरकार के वो लगातार दबाव डाल रहे थे इसको लागू किया जाए। उसमें ये भी कहा गया कि 1 जनवरी 2021 से आप डॉक्टर से, नर्सिंग होमों से, केमिस्टों से चार्जेस लेंगे, केमिस्टों से 500 महीना, डॉक्टर से 2000 महीना। इस कोरोना काल में जो डॉक्टरों ने काम किया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हमारे बहुत से डॉक्टर शहीद हुए हैं, कई फैमिली में जो डॉक्टर एक ही कमाने वाले डॉक्टर थे उनके पास कमाने का साधन नहीं है। केमिस्टों की हालत यह है, पहले केमिस्ट जो एबाबुलेट होता उस पर दवाई देता था, आज आप बड़े बड़े बोर्ड देख सकते हैं कि 15% के 20% कहीं तो 35% भी डिस्काउंट है, इतना आपस में कंपटीशन है। और कोरोना काल का समय, महामारी का समय, आज दिल्ली का हर व्यक्ति पीड़ित है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर व्यक्ति को टैक्स देने की बात कही गई है, केवल चुनाव के समय में क्यों? आपने 2018 में दबाव डाला नहीं, अब क्यों दबाव डाल रहे हैं आप, क्यों इसको लागू करने के लिए पीछे लगे हैं? लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम इसको वापस लौटाएगी। हम किसी डॉक्टर पे, किसी केमिस्ट पे या क्षेत्र की जनता पे, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता पे कोई टैक्स नहीं लगने देंगे। निगम मुख्यालय में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि डॉक्टर्स पर हो रहा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि डॉक्टर्स डे पर लगने वाला 2000 रुपये मासिक शुल्क लगाने का हम विरोध करते हैं और कहा कि जल्द से जल्द इस शुल्क को हटाया जाए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टरों के सम्मान की बात यहां पर की जा रही है, लगातार बीजेपी के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, इसकी जानकारी लेते हैं नेता विपक्ष से बात करके। नेता
देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स पर, डॉक्टर्स पर, लेबोरेटरी वालों पर, केमिस्ट पर जिस तरीके से ये 2000 रुपये का शुल्क लगाया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 के तहत, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऑलरेडी बायोवेस्ट के नाम पर तमाम डॉक्टर्स, तमाम बायोमेडिकल वाले, तमाम लोग ये बायोमेडिकल वेस्ट के नाम पर 891 रुपये प्रति माह का शुल्क दे रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कभी कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली भजवाती है, कभी ताली भजवाती है, कभी फूलों की वर्षा करवाती है, लेकिन आज इन्होंने साफ दिखा दिया है कि इनके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। इनका दिल काला है, इनकी सोच अलग है और काम करने की नीति अलग है। इन्होंने दिखा दिया कि हमने थाली ताली भजवाई, वो सिर्फ दिखावा था। आज इन्होंने कोरोना वॉरियर्स पर जिस तरीके से 2000 रुपये का टैक्स लगाया, वो साफ दिखाता है, साफ दर्शाता है कि ये बिल्कुल भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान नहीं करते, और उनके अपमान के लिए इन्होंने जो 2000 रुपये का कर लगाया, ये बहुत गलत है। कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष के पास डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल आया था और उनको तो आज भी आना चाहते थे, नेता प्रतिपक्ष जी ने के आदेश के अनुसार योजना बनी कि आज हम ही प्रोटेस्ट शो करते हैं। आने वाले समय में अगर ये हठधर्मिता दिखाएंगे तो आने वाले समय में डॉक्टर्स भी यहाँ होंगे, अन्य लोग भी यहाँ होंगे, क्योंकि वर्तमान निगम का जो राजनीतिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, उसके निकम्मेपन के कारण आज दिल्ली की जनता त्राहिताही कर रही है। क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जन सुविधाएं देने के लिए गठित हुआ था, ना कि धनोपार्जन करने के लिए। यहाँ ऐसे समय में जहाँ एक आम जनमानस भी एक दूसरे को सहयोग कर रहा है, यह निगम सुविधाएं देने की बजाय नई नई चीजें, अमानवीय चीजें, असंवैधानिक चीजें लगाकर लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, जिसमें से एक ये आपके सामने है। लॉकडाउन खुलने के बाद, पहले दिन खुलने के बाद जैसे लोग बाजार में आए, आपके निकम्मेपन के कारण लोगों की गाड़ियां तक पार्किंग से लोग घर से निकले, उनकी गाड़ियां तक उठानी शुरू कर दी। आपने नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। आप निगम के लिए सुविधाएं देने के लिए आए थे। निगम का काम है जन्म से लेकर मृत्यु तक की सुविधाएं देना, उसके लिए काम करना चाहिए, ना कि लोगों को प्रताड़ित करना चाहिए। यह है कोरोना योद्धा वह है जब हम घरों में थे और हम पूरी प्रिकॉशन ले रहे थे, ये बेचारे उस समय चाहे मेडिकल स्टोर वाले हों या लैब वाले हों चाहे डॉक्टर्स हों, ये हम सब के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ काम कर रहे थे। ऐसे समय में यह निर्णय लेना इस भाजपा राजनीतिक नेतृत्व के निकम्मेपन का साक्षात प्रमाण है या उनकी मिलीभगत है, जिसके कारण यह निर्णय इस समय में आना तो बहुत ही निंदनीय है। कोरोना के चलते सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं, लेकिन कोरोना केसों को कम होने के साथ ही सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव की तारीख 18 जुलाई हो सकती है और चुनाव नतीजे 21 जुलाई तक आ सकते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। अंदर खाने सुबहट तेज है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, इसको लेकर उम्मीदवारों ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। अधिकतर उम्मीदवारों ने अपने अपने इलाकों में सभाओं का दौर शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूरी मुद्दों को लेकर जन संवाद कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक LG अनिल बैजल के पास फाइल पहुँच गई है। इसी हफ्ते LG के साइन होते ही गुरुद्वारा निदेशालय नोटिफिकेशन जारी कर देगा। चुनाव को लेकर CCN के रिपोर्टर कुणाल ने उम्मीदवारों से बात की, इस पर उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। तो ऑलरेडी जिन्होंने नॉमिनेशन भरा हुआ है उसी में ही चुनाव हो रहा है, किसी को नए का नॉमिनेशन नहीं भरा जाएगा। लेकिन एक सीट पर जो कोविड के कारण हमारे जो कैंडिडेट थे तो वो अकाल चलाना कर गए थे इस दुनिया से, तो उनकी उस सीट पर वार्ड नंबर 45 पर खुरेजी खास में, वहाँ पर दोबारा होगा इलेक्शन। वो अभी पोस्टपोन किए गए हैं, उसका बाई इलेक्शन होगा जब भी होगा। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो लड़ना चाहते हैं और लड़ रहे हैं अपने वर्कर्स के साथ, वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि इलेक्शन का पता नहीं सरकार कब कर दे, उसकी कौन सी डेट आ जाए, लेकिन ये सुनने में आया कि शायद जुलाई में 1 अगस्त से पहले इलेक्शन ये करवाना चाहते हैं। लेकिन जब से इलेक्शन का ये नॉमिनेशन फॉर्म भरा है तो आदमी इलेक्शन के लिए एक्टिव होता है काम करने का, उससे पहले तो पब्लिक का काम कर रहा होता है। तो अब इलेक्शन में मैंने दोबारा जब छोड़ दिया था कोविड में, अब दोबारा फिर जब कल से हमने मीटिंग स्टार्ट की हैं और कल में ही हमने 3 मीटिंग्स ली हैं, तो इसके लिए जो मुद्दा एक नया हमारी कमेटी ने उठाया है, वो हमने एक हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया कोविड के लिए, 125 बेड का, 125 बेड का, प्लस उसके साथ लेडीज़ का अलग है, बच्चों का अलग है। सो वो जो चीज़ें हैं वो एक एक्स्ट्रा मुद्दे जो हैं कोविड के, वो साथ में लगे हैं। और ऑलरेडी हमारे बंगला साहब के अंदर MRI, बाला साहब के अंदर जो है वो डायलिसिस सेंटर्स चल रहे हैं। गाइडलाइन तो जो सरकार की है और कोरोना के लिए दी हुई है उसको हम फॉलो करेंगे और वो करनी भी चाहिए,
क्योंकि ऑलरेडी एक मेंबर साहब हमारे जो हैं वो जा चुके हैं और इसे नहीं फॉलो करेंगे तो, और मेरे साथ जो लोग चल रहे थे वो भी तकरीबन काफ़ी लोग जा चुके हैं, तो वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और उसे हम खुद भी करेंगे और अपने लोगों से भी करवाएंगे। अभी माहौल आगे के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, उसका रीज़न है 22 अप्रैल को एलजी ने हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव है वो स्थगित कर दिए थे और मेरे हिसाब से उनका डिसीज़न बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि उस टाइम कोरोना इस कदर तक फैल चुका था कि अगर कोई भी बंदा अपने घर से बाहर वोट डालने के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ में रहता। बाकी इस टाइम क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, लगभग मुझे ऐसा लगता है जितनी भी पार्टियाँ खासकर जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में स्थगित करेंगी जो कि एक्टिव हैं, अब उन्होंने अपना अपने लेवल पे काम करना बिल्कुल शुरू कर दिया है। देखो सबसे पहला मुद्दा तो हमारा एजुकेशन का है जी, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने ये आता है कि जिस तरीके से इन लोगों ने बाला साहब जो अस्पताल है, जिस अस्पताल को बनाने में एक तो बहुत समय लगा दिया, आज 8 साल से तो वो अस्पताल बंद पड़ा था, अब इनको अब याद आई है इलेक्शन से 2 महीने पहले कि अस्पताल को कैसे बनाना है। और दूसरी साहब जिस तरीके से रकाबगंज गुरुद्वारे के अंदर इन्होंने कोविड सेंटर बनाया है, उस कोविड सेंटर के नॉर्म्स को इन्होंने ये भी देखना चाहिए था कि अक्सर वो हमारे लिए गुरु पंथ है, हमारी कई जो सिक्खी जो भी है वो हर तरीके से अपने गुरुदर से जुड़ी हुई है। अब कितने लोग गुरुदर पे जाके मत्था टेकते हैं, गुरपुरब बनाते हैं, उस चीज़ का भी बहुत असर है। अब देखते हैं जी आगे, अब तो इलेक्शन में ही क्लियर होगा कि आगे क्या पोजीशन आती है। दिल्ली में 2 लाख से अधिक बच्चे स्कूल से दूर हैं। योजना विभाग की तरफ से नवंबर 2018 से 2019 नवंबर तक कराए गए सर्वे में स्कूल से बाहर बच्चों की जानकारी सामने आई है। ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। समग्र शिक्षा दिल्ली कोरोना के बाद बदले हालातों में इन बच्चों के स्थान का पता लगाने के लिए एक सर्वे कराने जा रही है। इन बच्चों को अपने कार्यक्रमों के तहत स्कूल से जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा दिल्ली 28 जून से 28 अगस्त तक सर्वे कराने जा रही है। ये सर्वे जिला स्तर पर आयोजित होगा, जिसके लिए समग्र शिक्षा दिल्ली की तरफ से कुल 243 टीमें बनाई गई हैं, जो स्कूल से बाहर चिन्हित बच्चों के साथ अन्य बच्चों की पहचान करेंगी। शिक्षा के अधिकार नियम के तहत 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार हुआ। उसके बाद भी दिल्ली में 6 से 12 साल तक के बच्चे 93,942 बच्चे स्कूल से दूर हैं। मेरे हिसाब से समग्र शिक्षा द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें बच्चों को जोड़ने के लिए हम सभी शिक्षक साथियों को, SMC के सम्मानित सदस्यगणों को एवं युवा समाज सेवियों को आगे आकर के बच्चों को स्कूल से जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। वाकई यह चिंता का विषय है कि दिल्ली जैसे शहर में 2 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा व्यवस्था से दूर रहें और उनको एजुकेशन ना मिले। दिल्ली में हर स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था की गई है, विद्यालयों को 2-2 शिफ्ट में इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। ऐसे में 2 लाख बच्चों का शिक्षा से दूर रहना ये वाकई दुखद है और आश्चर्यजनक भी है। तो दिल्ली समग्र शिक्षा के तरफ से ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इन बच्चों को यथासंभव जल्दी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाए, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। योजना आयोग के तहत सर्वे 2018-19 जिसके माध्यम से जानकारी मिली है कि दिल्ली से करीब 2 लाख बच्चे जो शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा दिल्ली ने कुछ तैयारियां शुरू की हैं और इसके तहत जो उन बच्चों को जोड़ा जाएगा सभी डिस्ट्रिक्ट में। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा काम है, एक सराहनीय कदम है। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं उनको किसी तरीके से शिक्षा से जोड़ा जाएगा और शिक्षा जो है हर बच्चे का एक अधिकार है और मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है और मैं इस कदम की जो है सराहना करता हूँ, तारीफ करता हूँ। जब बच्चे पढ़ाई से दूर होते हैं तो ना तो वह समाज तरक्की कर सकता है और ना ही देश। इस तरह का प्रयास बहुत जरूरी है। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो इस तरह का सर्वे करना और उस पर उचित कार्यवाही भी हो ये बहुत जरूरी है और सराहनीय कदम है। मेरा केवल एक सुझाव है कि एक तो प्रॉपर ढंग से हो, ठीक एक एक गली सर्वे, चाहे इसके लिए
कितने भी नीचे तक की टीम बनानी पड़े वह टीम अवश्य बनाएं, फेयर सर्वे करके उस पर उचित कार्यवाही भी हो, वो ठीक प्रकार से एजुकेशन का महत्व समझ करके इस एजुकेशन से जुड़ें, तो निश्चित तौर पर एक शिक्षित समाज का निर्माण हो करके शिक्षित देश बनके विश्व गुरु बने। दिल्ली में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, जिस दौरान दिल्ली में अनलॉक का छठा फेज है, जिसके लिए गाइडलाइन रविवार 4 जुलाई को जारी की गई। स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर अभी ऑफलाइन क्लासेस आयोजित नहीं कर सकेंगे, तो वहीं धीरे धीरे सब अनलॉक हो रहा है। वहीं दिल्ली में वीकली बाजारों को खोलने की अनुमति अभी नहीं मिली है, जिसके चलते वीकली बाजार वाले व्यापारियों को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। उनका कहना है कि दिल्ली में जब सब कुछ अनलॉक हो गया है तो अब वीकली बाजारों को भी सरकार खोल दे, ताकि बंद पड़ा काम भी चल सके। सर मैं भी बाजार लगाता हूँ, मेरी शॉप भी है साथ में, मैं शॉप पे भी काम है और बाजार तो बंद है, मेरा बाजार से वैसे रोजी रोटी चलती है। नुकसान सर जो था हमारी जमा पूंजी वो भी सब खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, क्योंकि सर मेरा मकान भी रेंट का है, बाजार भी मेरे ठीक भी वही होते हैं रेंट के, सब किराए के हैं, तो वो इसलिए तो बाजार खुलने चाहिए। अब कितने किसी कितने पैसे लोग अब तो मांगोगे, अपने पास सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं भीड़ तो सर बढ़ती है, ये दुकान पे भी भीड़ होती है, आप मार्केट सदर मार्केट में जाओ उसमें कितनी भीड़ होती है, गांधीनगर बड़ी मार्केट में भीड़ होती है, यहाँ भीड़ कहाँ होती है, यहाँ पे तो कम मार्केट हो, बड़ी मार्केट हो लगा भीड़, यहाँ मार्केट छोटी मार्केट हो तो कम होती है। पैक बाज़ार लगाता हूँ और इतने सालों से बंद बाज़ार बंद है, किराए के मकान है, ना किराए को है, न खाने के लिए है कुछ भी, बिल्कुल बेरोजगार है। 30 साल से बाजार लगा रहा हूँ, 70 साल की उम्र है, और जरा मैं क्या काम कर सकता हूँ, अब कुछ खुल गया, हमारे बाजार नहीं खुले, और ना कोई कहीं बैठ भी जाए तो पुलिस वाले नहीं बैठने देते, कभी MCD गाड़ी आ जाए कोई पुलिस वाले कोई नहीं बैठने देता, तो ये बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे कम से कम 20-25 साल हो गए लगाते हुए बिकली बाजार को, अब तो 3 महीने से रोटी खाने के लिए नहीं है, 2-3 महीने वो बैठे बैठे कभी इधर लगा लेते, कभी इधर लगाते, कभी इधर लगाते हैं, उस सर खुल जाए तो सब कुछ दाल रोटी मिल जाए, जितने गरीब कम से कम एक आदमी के पीछे 10-10 आदमी का परिवार है, 10 आदमी अगर एक रोटी कमाएगा तो तब जो बच्चों पेट पालेगा, बच्चों पेट कैसे पालेगा सर, फिर अब उसके लिए ज़रूरी है भाई, चाहे 4 घंटे के लिए खोले, खोलना ज़रूरी है। वीकली बाज़ार से भीड़ नहीं भरती, मैंने देखा है कि जैसे मान लो हम इस टाइम सोम बाज़ार में खड़े हैं और वीर बाज़ार हमारे रामनगर में लगता है, तो वीर बाज़ार में मैं जब निकला तो वहाँ पर कम से कम नहीं तो 25-30 दुकानदार जो वीकली लगाते थे, उन्होंने बेचारों ने थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ था, वो इसलिए कि कोई ग्राहक आएगा कि जो पिछले 2-3 सालों से बेचारे इतने परेशान हैं, तो अगर आप जब पूरी दिल्ली खुल सकती है तो वीकली बाज़ार खुल सकता है, ठीक है कि अगर मान लो इस रोड पर नहीं लग सकता, आप एक कंडीशन बनाओ कि सोम बाज़ार के अंदर इतनी लग सकती हैं, साथ ही गलियों में थोड़ा फैला दो, यानी कि फैला कर इस बाज़ार को लगा दिया जाए, तो मेरे हिसाब से भीड़ तो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जिसने जो चीज़ लेनी होती है 2 मिनट में लेता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। सर वीकली बाज़ार पर तो हर आदमी डिपेंड है, बहुत सारी चीज़ें अच्छे अच्छे घरों के लोग वीकली बाज़ार से लेते हैं, वीकली बाज़ार में 10 रुपये की सुई से लेकर 1000 रुपये तक की चीज़ वीकली बाज़ार में मिलती थी। वीकली बाज़ार बिल्कुल खुलना चाहिए, क्योंकि वीकली बाज़ार वाले जितने भी हैं वो रोज़ कमाने वाले हैं और रोज़ ही खाने वाले हैं, अगर वो घर बैठ कर कब तक खाएँगे, तो वीकली बाज़ार जल्द से जल्द खुलना चाहिए। वीकली बाज़ार में लोगों की सोच भी है और सस्ता भी सामान मिलता है, तो वीकली बाजार जरूर खुलना चाहिए, उससे दुकानदार को भी फायदा है, ये नहीं कि वीकली बाजार को भी है। ईस्ट MCD के कई स्कूलों में वैक्सीनेशन बंद हो गया है, सेंटर्स पर टेंट लगे हुए हैं पर वैक्सीन की सुविधा नहीं है। इस पर पार्षदों का कहना है कि केजरीवाल सरकार वैक्सीन पर राजनीति कर रही है, केंद्र सरकार की तरफ से काफी डोज होने के बाद भी केजरीवाल निगम के सेंटर पर वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, जबकि निगम ने सबसे पहले सेंटर्स की लिस्ट दिल्ली सरकार को सौंपी थी। इस तरह की राजनीति केजरीवाल को शोभा नहीं देती है। हमारी दिल्ली इस इतनी पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रही है और हमें जो एक रामबाण जो मिला है, जो वैक्सीनेशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टेट्स को मिल रही है, हमारे पास भरपूर स्टॉक होने के बावजूद हम लगातार सेंटरों को बंद करते जा रहे हैं, हम किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मुझे इसको मतलब सोच के भी बहुत दुख होता है, बहुत घृणा होती है। आज आपको सुनकर हैरानी होगी, मेरे वार्ड के 4 सेंटरों को बंद कर दिया गया है। आप सोचिए, जिन सेंटरों में लाइन लग रही थी, हजारों लोग वैक्सीनेशन लगाने के लिए लाइन में लगते थे, 200-150 वैक्सीन भी हमें नहीं मिल रही थी, और आज वो चारों सेंटर बंद कर दिए गए हैं। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है, राजनीति का स्तर कहाँ जा रहा है, मुझे सोच के भी बहुत दुख होता है।
हमें कम से कम जनता के लिए सामने आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटर खोलने चाहिए। आप एक तरफ कहते हो कि जहां वोट वहां पे वैक्सीन, ये अभियान के लिए नारा लगाते हो और आप 4 वैक्सीनेशन सेंटर एक वार्ड में बंद कर देते हो। इससे आपकी सोच का, आपकी मानसिकता का पता चलता है। मुझे लगता है कि जनता के लिए आपको आगे आना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके जनता की सेवा करनी चाहिए, सबको वैक्सीनेट करना चाहिए। आप पीछे देख रहे हैं टूटे हुए टेंट भी हैं और आपने मोदी जी का टीकाकरण अभियान का एक बैनर भी देखा। जहां 1.5 महीना पहले टीकाकरण का काम शुरू हो गया था और पूरी दिल्ली से बाहर से लोग आ रहे थे और टीका भी लगवा रहे थे, एकदम अचानक दिल्ली सरकार ने यहाँ टीके भेजने बंद कर दिए और ये सेंटर बंद हो गया। अब बात तो इतनी सी है और आपको ही लगेगा भाई टीकाकरण केंद्र टीके नहीं आ रहे हैं, केंद्र बंद हो गया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश को समझना, दिल्ली की जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अपने राजनीतिक हित साधने के लिए केजरीवाल सरकार कैसे काम कर रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब जितने भी दिल्ली के अंदर MCD के जितने भी कम्युनिटी सेंटर स्कूल्स हैं उसमें ज़्यादातर को टीकाकरण के लिए बंद कर दिया, क्योंकि ये केंद्र जो है वो MCD के थे, MCD के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीनों में सरकार है, तो केंद्र बंद कर दो, जिससे एक मैसेज आए कि MCD इस टीकाकरण अभियान में कोई भी सहयोग नहीं कर रही है और ये गेट बंद रहते किसी को पता भी नहीं लगता। तो पहला मैसेज तो ये देना चाहते थे, जबकि MCD ने अपने पूरी दिल्ली के अंदर 300 सेंटर्स की लिस्ट सबसे पहले दिल्ली सरकार को दी थी और दिल्ली सरकार को बोला था हमारे सेंटर आप फ्री में इस्तेमाल कीजिए, हम अपना स्टाफ और टीचर्स भी देंगे, और बहुत सारी डिस्पेंसरी में तो हमने डॉक्टर्स भी अपने दिए कि हम टीकाकरण में सहयोग करेंगे। लेकिन फिर क्यों MCD का, क्योंकि अब ये जब 2-1 महीने ये अभियान चला लेंगे इसके बाद ये एक बढ़िया सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भोला सा मुंह बनाएंगे और इनके प्रवक्ता आगे बोलेंगे देखो जी इतना बड़ा टीकाकरण अभियान हुआ, इतने लाख टीके दिल्ली के सेंटर में लगे, दिल्ली के स्कूलों में लगे, लेकिन MCD के सेंटर में 1 लाख टीके लगे और जनता क्योंकि भोली है उसे पता नहीं, जनता ये सोचेगी कि टीके जो MCD ने ही अरेंज करने थे, MCD ने लगाने थे, MCD ने अपना काम नहीं किया, दिल्ली सरकार ने कितना अच्छा काम किया, जबकि आप सबको पता है कि ये सभी टीके मोदी सरकार फ्री, मैं दोबारा बोलूंगा मोदी सरकार फ्री पूरे देश में दे रही है। राधेपुरी में लाल मंदिर के प्रधान को मंदिर के पुजारी ने भाई ने हमला कर घायल कर दिया। इस हमले में प्रधान को गंभीर चोटें आई हैं। घायल प्रधान का कहना है कि वह घर पर आराम कर रहा था, तभी अचानक घर पर मंदिर के पुजारी के भाई ने आकर हमला कर दिया और डंडों से मारना शुरू कर दिया। आपको बता दें इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है, वहीं पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर और मामले की छानबीन में जुट गई है। पहले बदतमीजी की थी, यहाँ पे 9 बजे मुझे रोककर मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसका यही काम है बदतमीजी करने का, वो अपने आप को दादा समझता है और अपने भाई की पोस्ट का नजायज फायदा उठाता है क्योंकि वो पार्टी में है। वो अपन पार्टी का वार्ड अध्यक्ष है यहाँ का। अच्छा। जो यहाँ के रविंद्र प्रसाद भारद्वाज पंडित है जो यहाँ के पुजारी जी है, वो उसका नजायज फायदा उठाते हैं और आज उनकी पार्टी के लोग ही हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं और इस जो शर्मनाक घटना करी है इस पंडित जी के पुजारी के ने और उनके भाई ने, इसकी वो लोग भी निंदा कर रहे हैं और वो लोग तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। आज सुबह मेरा बेटा शॉप पे बैठा था, 6:30 बजे मंदिर से निकला तो मेरे बेटे को कहता तूने दुकान कैसे खोली है भाई यहाँ पे, ऐसे बोला, तो उसने कहा मैं बताऊँ कैसे खोली है, तो भाग गया। अब ऐसे तो दुकानें नहीं खोलेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो अभी भी दादाओं की तरह घूम रहा है मंदिर में आ रहा है, यही शाम हमारी शॉप ही मंदिर में है। मेरे को उसने बुलाया कि ऐसे ऐसे पंडित और पंडित का भाई मेरे घर के बाहर आया हुआ है और मुझे मार गया, तो पंडित और पंडित का भाई जो है इसको मारने आया था, इसने सिर पर हाथ रख लिया, नहीं तो इसका कुछ और भी काम हो सकता था। तो इन दोनों पंडित से और पंडित के भाई से यहाँ सारी औरतें बहुत परेशान हैं, ये तंग करता है सबको और सबसे बदतमीजी से बोलता है, हम तो इसी से ये और इसका भाई जो है रोज डंडा लेके निकलता है सवेरे, कहता देखो आज किसकी बारी आई है, तो आज भी ये डंडा लेके निकला और मैं भी तब इसके पीछे गया था, तो हमने जब पकड़ा इसे तो इसने डंडा नाली में फेंक दिया। ये मंदिर के पुजारी का भाई सुबह मेरे घर में आया और मुझे कहता है प्रधान जी दरवाज़ा खोलो आपसे काम है, मैंने दरवाज़ा खोला, उसने छूटते ही मेरे पे डंडे से अटैक किया और मेरे को पैरालाइज हुआ पड़ा इस साइड में, मैंने उसका डंडा पकड़ने की कोशिश की, मेरे से नहीं पकड़ा गया, उसने मेरे सिर पे अटैक किया, मैंने हाथ आगे रखा और मेरे को यहाँ पे लग गई, मेरी वाइफ आई छुड़ाने के लिए तो उसको भी धक्का मारा
और कारण क्या था, क्यों? कारण यही था कि यहाँ पे लोगों से बदतमीजी से दोनों भाई बोलते हैं, राजेंद्र पंडित भी और उसका भाई भी। इन्हें कई दफ़ा समझा चुका हूँ कि ऐसे लोगों से मत बोला करो। मैं श्री राधा कृष्ण लाल मंदिर का प्रधान हूँ। पुलिस की कंप्लेंट करी या पुलिस क्या लिख के ले गई, वो मेरे को उस समय इतना होश नहीं था, क्योंकि मेरे को चोट भी लगी हुई थी तो दर्द भी हो रहा था। तो वो क्या लिख के ले गई, उन्होंने सही कार्रवाई नहीं करी और वो बाहर घूम रहा है। आज फिर आया था। आज फिर सुबह धमकियाँ दे गया है दुकानदारों को भी और हमारे भाई को भी कि तुम मेरे जान से मार दो। नहीं, ये चीज़ मैंने गेट पकड़ा देखा जाए तो वो अंदर ना घुस सके, जोर से गेट पकड़ के रखा कि मेरे हस्बैंड के ऊपर और अटैक ना हो। उसने सीधा धक्का गेट पे जोर से मारा है और उसने डंडा पूरा गेट पे मारा है, फिर भी बचाओगे? फिर जब तक मैं चीखी हूँ लोग आने शुरू हैं, तो एकदम से वो भाग गया, उसको हम पकड़ नहीं सके। स्कूटी पे भी उसने किया अटैक, पूरा किया है, स्कूटी का शीशा वगैरह तोड़ दिया। अब देखा जाए तो हमें अंदर से यही डर बैठा हुआ है। वो तो कल भी अकेला, कभी सुबह 6:30 बजे की बात आई है। नहीं देख, मैं ऊपर अपने छज्जे पे खड़ी हुई थी तो मैंने देखा सिल्ली भाई सब के घर पे पहुंचा, वो पंडित का भाई और पंडित, और भाई सबको बोल रहे थे बाहर आओ निकल के। भाई सब ने बोला क्या बात है, बात बताओ, तो कह रहे बाहर आओ, बाहर बात करनी है। जैसे भाई, और एक डंडा था उनके हाथ में, डंडा साइड पर छुपा दिया था उन्होंने पहले ही, और जैसे ही जिसका भाई साहब बाहर आए और इनके ऊपर अटैक कर दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ मारी, ये घूम के आ रहे थे, बल्कि देखो देखो सिल्ली भाई साहब को कोई मार रहा है, मार रहा है। जैसे ये भागे ना तो वो लोग भाग गए एकदम। ऐसे तो इनके जानलेवा हमला कराया उन्होंने, तो सबको खतरा है उनसे, तो की तो कार्रवाई होनी चाहिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।